भारत में चीन की जासूसी को लेकर लगातार तीसरे दिन बड़ा खुलासा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों, राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिवों समेत 370 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रहा है। इस मामले में राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन यानी NTRO ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पीएमओ के कम से कम आधा दर्जन अधिकारियों की जासूसी कर रहा है जो सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आने वाले मंत्रालयों में काम करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धांत, बताइए इस खबर को लेकर आपके पास और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक तरफ से डेटा हार्वेस्टिंग है एक चाइनीज फर्म द्वारा, और ये जो चाइनीज फर्म है वो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उससे लिंक्ड है। मैं बता दूं वो कर क्या रही है। बेसिकली जो भी आपका सोशल मीडिया डेटा है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो लीडर्स हैं, करीब 10,000 भारतीय इस पूरी लिस्ट में, जिसमें टॉप टू बॉटम जो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो यहाँ थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनका नाम है। तो एक तरफ से डेटा हार्वेस्टिंग है, बिग डेटा है और एक्सपेक्टेड लाइंस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है चाइना का जो वर्किंग मॉडल है काफी डिफरेंट है। उसका वर्किंग मॉडल बेसिकली ऐसा है कि डिटेल्स लेना, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आपके देश में उनको इन्फ्लुएंस करना और कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में सीप इन करना। जैसे एग्जांपल्स भी है, नेपाल का एक एग्जांपल अक्सर बताया जाता है, तिब्बत का एक एग्जांपल बताया जाता है, पर कहीं ना कहीं चाइना क्या कोशिश कर रहा है, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है भारत में नहीं, बहुत सारे देशों में। जब एक खबर मंडे को ब्रेक हुई थी तो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके और इटली के अंदर भी एक बड़ी खबर थी। अब इसके अंदर और डिटेल जानकारी बाहर आ रही है कैसे कंपनी चलती थी, बल्कि एक रिएक्शन भी आया है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से और उस कंपनी से भी, दोनों एक तरह से डिनायल मोड है और ये एक्सपेक्टेड भी है। पर कहीं ना कहीं जो भारतीय सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये एक तरफ से विंडिकेट करता है भारतीय गवर्नमेंट का स्टैंड, जो चाइनीज ऐप को हमने बैन करा। मैं आपको बता दूं करीब 200 से ज्यादा हमने चाइनीज ऐप को बैन करा है गलवान इंसिडेंट के बाद, जिसने टिकटॉक का नाम चुमार है, पबजी का नाम चुमार है। ठीक बात है। तो ये डिटेल में सिद्धांत ने बताया कि किस तरह की जासूसी हो रही है। बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पटल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए बयान के बाद चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत के रक्षा मंत्री का बयान उकसाने वाला है, इससे सीमा पर सर्दियों के मौसम में तनाव बहुत बढ़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति के जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री अपने बयानों से नागरिकों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना और सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सीमा पर तनाव की स्थिति भारत के कारण ही बनी है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जिस तरह भारत की सेना पाकिस्तान सीमा पर छोटी छोटी झड़पों में जुटी रहती है, वैसे ही हालत चीन सीमा पर बन सकता है। ऐसे में चीन सेना को तैयार रहना चाहिए।